हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखोगे आप 6.3 का थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है, थोड़ा अब ठीक ठाक सा क्वेश्चन आ गया है, एग्जाम में देखने को मिलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो क्या है, ए एम इज अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। जो ए एम है वो मीडियन है ट्रायंगल की। अब जब मीडियन होती है कोई ट्रायंगल की, जिस साइड पे वो टच करती है वर्टेक्स आती है और एक साइड पे वो कट करती है, तो उस लाइन को दो बराबर भागों में बांटती है। तो मींस ये बाइसेक्ट करती है बराबर, तो ये दोनों साइड हमारी बराबर होगी। पहला केस तो हमें निकल के आ गया जब मीडियन है। तो हम लिख देंगे, अगर इसको मैं लिख रहा हूँ बी एम बराबर एम सी बिकॉज ए एम इज अ मीडियन ऑफ बी सी, ये लिख सकते हैं। तो बाकी आगे क्या है, ए एम इज अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी की मीडियन है, इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन 2 AM। जब ग्रेटर देन का सिंबल आ रहा है ना, तो आपके माइंड में एक इन्फॉर्मेशन जरूर जानी चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, एक इन्फॉर्मेशन जरूर जानी चाहिए। कौन सी, सम ऑफ द ट्रायंगल की, ट्रायंगल इट्स पॉसिबल, ट्रायंगल इज पॉसिबल वाली लाइन जानी चाहिए। ट्रायंगल इज पॉसिबल सम ऑफ एनी टू साइड ग्रेटर देन लेंथ ऑफ थर्ड साइड, ये वाली इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। अगर ये जा रही है तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कर भी सकते हैं। तो देखो मैंने तो ये आपको बता दिया, बाकी आप जैसे भी करना चाहो, होगा तो इसी मेथड से। पहले हम लाइन लिख देंगे, ट्रायंगल इज पॉसिबल, लाइन लिखने की जरूरत तो नहीं है। बस हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैंने बोल दिया है आपको, बस ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, इसी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। क्या हो गया देखो, आप बस मैं स्टार्ट कर दूंगा। इन ट्रायंगल आपको स्टार्ट करना है, दो ट्रायंगल तैयार हो रहे, ए बी एम और ए एम सी, दोनों ट्रायंगल में आपको लेके चलना है ए बी, ताकि हमें क्या चाहिए 2 AM ग्रेटर देन, तो ए बी प्लस बी एम ग्रेटर देन होनी चाहिए ए एम। अब जैसे कि दिख रहा है ट्रायंगल में तो होगी जरूरी है, तो इन ट्रायंगल ए बी एम, ए बी एम, ए बी एम में जब हम देखते हैं, क्या देखते हैं इसमें ट्रायंगल में क्या है, साफ साफ दिख रहा है ए बी प्लस बी एम, बी एम ग्रेटर देन ए एम। और जैसे कि हमें ग्रेटर देन में ए एम ही लाना है, बट 2 AM लाना, वो बात की बात है, कैसा आएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट, इससे ज्यादा मैं सॉल्व नहीं कर सकता इसको, सिंपल सा। आगे आ जाते हैं हम इन ट्रायंगल, अब इसमें आ जाते हैं ए सी एम, ए सी एम। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसको थोड़ा समझना पड़ेगा किस टाइप से हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। स्टार्ट कैसे करना है, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल में हम अपनी प्रॉपर्टी लगाते हैं, सम ऑफ एनी टू साइड, लेंथ ऑफ सम ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, ग्रेटर देन हमारी थर्ड साइड ए एम ही दिखेगी इसमें। तो करेंगे इसमें भी ए सी प्लस, ए सी प्लस सी एम, सी एम और ये ग्रेटर देन हो जाएगी ए एम से, ये इक्वेशन हमारी सेकंड आ गई। अब देखो हमें लाना क्या है, पहली बात तो हमारी ये है, लाना क्या है देखो, ए बी, ए बी जैसे कि मिल जाएगा हमें, बी सी, बी सी अभी तक नहीं आया, सी ए, सी ए हमारा, सी ए हो चाहे ए सी हो, एक ही बात है, एक ही बात है। तो अब बचे हैं बी एम और सी एम, बी एम और सी एम, बी एम सी एम को बना के तो बी सी बनेगा। तो हम आगे क्या करेंगे, क्या करेंगे इसको, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्लस होगा, जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड के साथ। तो कैसे, प्लस ए बी लिखेंगे पहले, देखो ए बी प्लस बी एम प्लस बी एम, बी एम प्लस ए सी, देखो दिख रहा होगा, प्लस ए सी प्लस सी एम, दिख रहा है आपको भी सी एम, और उधर क्या है ग्रेटर देन में ए एम प्लस ए एम। तो सिंपल तरीके से आ रहा है बड़ी प्यार के साथ, आप भी समझ गए होंगे। तो क्या है, ए बी तो हमें चाहिए, ए बी प्लस और बी एम और सी एम, इसको बी एम और सी एम मिला के क्या बन रही है, बी एम सी एम बना के, बी एम और सी एम मिला के तो हमारी बी सी बनेगी, बी सी आ गया, और प्लस ए सी का मतलब सी ए, तो सी ए लिख देंगे ग्रेटर देन ए एम प्लस ए एम, कितना हो जाएगा 2 AM। ये लो हमारा फाइनल जो आंसर उसने पूछा था वही हमने ला दिया, बहुत इजी क्वेश्चन था, बाकी आपको भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो इसमें क्या है, एक्सरसाइज चल रही है हमारी, कौन सी प्रॉपर्टीज को लेकर, आर ट्रायंगल इज पॉसिबल, आर ट्रायंगल इज पॉसिबल कब होता है पॉसिबल, लेंथ ऑफ एनी सम ऑफ लेंथ ऑफ, लेंथ तो होती है सम ऑफ लेंथ, सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो इस टाइप से हमने प्रॉपर्टीज का हेल्प लेते हुए करा है, बाकी क्वेश्चन सिंपल सा था, आप भी ट्राई करोगे तो आपसे भी बड़ी प्यार के साथ होगा अगर इन चीजों को याद रखोगे तो। बाकी क्वेश्चन तो बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं हर कोई से भी,
बाकी आपको कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद।